आधार कार्ड के महत्व से तो आप परिचित होंगे ही। आधार इस बात का प्रूफ करता है कि आप भारत के इस राज्य के इस शहर के रहने वाले हैं। इसके साथ ही आधार कार्ड आपकी जन्मतिथि आपके माता पिता को भी प्रमाणित करता है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप बिहार में हैं और आपका आधार कार्ड बिहार से बाहर का है तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? वेल, आज आपको हम बताते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, खासकर फाइनेंस के क्षेत्र में। मान ले आप एक फोन फाइनेंस करवाना चाहते हैं। फोन को फाइनेंस करने के लिए आपका आधार कार्ड सबसे पहले जरूरी होता है, फिर आपके सिविल स्कोर को चेक किया जाता है। अगर आपका आधार कार्ड बिहार से बाहर का है तो सैमसंग को छोड़कर किसी भी कंपनी का मोबाइल आप नहीं ले पाएंगे। फाइनेंस अधिकारी सीधे आपके आवेदन को रिजेक्ट कर देगा। आप अगर ओप्पो, नोकिया, आईफोन, एमआई जैसे ब्रांड्स के फोन फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो यह नहीं हो पाएगा। इन ब्रांड्स के लिए आपके पास लोकल बिहार का आधार कार्ड रखना ही होगा, क्योंकि जो कंपनियां फाइनेंस करती हैं उन्होंने ये रूल बना रखा है कि जब तक बिहार का आधार कार्ड नहीं होगा वे फाइनेंस नहीं करेंगे। इसके पीछे का कारण यह बताया जाता है कि पहले ग्राहक बाहरी राज्यों का आधार कार्ड देकर डाउन पेमेंट करके मोबाइल फाइनेंस करवा लेते थे, फिर 6 महीने की या फिर 3 महीनों की जो किश्त बनती थी उसे देने में आनाकानी करते थे। अब बिहार से तो कोई किश्त वसूलने यूपी या फिर एमपी या दिल्ली तो जाएगा नहीं, इसलिए सभी फाइनेंस कंपनियों ने मिलजुल कर यह नियम बना लिया कि जब तक बिहार का आधार कार्ड ना हो फाइनेंस ना किया जाए। सैमसंग ने इस नियम को नहीं माना। सैमसंग कंपनी कहीं के भी आधार कार्ड पर फाइनेंस करने की अपनी नीति पर चलती रही है। अगर आप बिहार के किसी हिस्से में रहते हैं और कोई फोन या फिर अन्य कोई चीज फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आप अपने आधार को जरूर अपडेट करा लें। अगर आपका आधार बिहार के किसी शहर का बना हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर आधार बिहार से बाहर का है तो आप उसे तत्काल अपडेट करवा लें। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस में भी आधार सेंटर बनाए गए हैं। अगर पता बदलवाना है तो बहुत मामूली खर्च पर आपका पता बदल जाएगा। हाँ, जो आपका नया पता होगा वह वेरीफाइड होना चाहिए। आप वार्ड पार्षद, मेयर, ग्राम प्रधान, क्लास 1 ऑफिसर किसी से भी अपना नया पता वेरीफाई करवा सकते हैं। वही वेरीफाइड पते को लेकर आप जब आधार सेंटर में जाएंगे तो आपका नया पता अपडेट हो जाएगा, फिर आपको फाइनेंस करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।